तुम तो बाहर नहीं जा सकती हो ना स्कूबी। मुझे ऑलमोस्ट 10-15 दिन से ऊपर हो गया। इफ यू रिमेम्बर, ये टायर अभी तक पंचर है, इसको सही करना है भाई। तो आज कल में इसको सही करते हैं या वीकेंड पे सही करते हैं। अब जो ये बोनट का सेंसर है ना, कल तक तो सही था। मतलब कल जब वहां से मैं निकला इसको सही करा के, फिर तो सही था। फिर वापस से ना बीच बीच में ना पता नहीं क्या हो रहा है यार, कनेक्ट देखो अभी फिर से आया था तो कनेक्शन छूट रहा है या फिर टू टू करके थोड़े थोड़े देर पे ना आवाज कर ही रहा है। अब उसका क्या जुगाड़ लगाया जाए यार, समझ नहीं आ रहा कि इसको फिर से सर्विसिंग तक का वेट किया जाए। बिकॉज सर्विसिंग अभी 3,500 किलोमीटर के आसपास में फिर सर्विसिंग होगी। बट बहुत ही इरिटेटिंग है यार, बहुत ही इरिटेटिंग है। कभी कभी गाड़ी में एक्स्ट्रा सेंसर होना भी ना थोड़ा सा अनॉइंग हो जाता है। बिकॉज अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करे या इरिटेट करना स्टार्ट करे ना, तो आपके पास भैया कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 8 और अपन निकले हैं दिल्ली के साइड। देखो फिर से आ गया, तो ऐसे ही है। अब देखो ये 2 सेकंड के अंदर ना चला जाएगा। अब यहाँ पे लाइट जल गया, अब ये थोड़ी देर में लाइट ऑफ हो जाएगा। तो जब गाने भी प्ले हो रहे ना, तो टू 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 बीच में बोल ही रहा है यार। तो जी फिलहाल जा रहे हैं हम टर्मिनल 3। स्वाति की फ्लाइट है 8:30 की, 8:20 है फ्लाइट। ऑलरेडी लैंड हो गई थी 8:10 पे, तो काफ़ी पहले लैंड हो गई थी। एंड कैलकटा से फ्लाइट आ रही थी। मुझे कल लग रहा था कि उड़ीसा और कैलकटा में जो तूफान आ रहा है, जो एक्चुअली साइक्लोन है, उसके वजह से कहीं फ्लाइट डिले या कैंसिल ना हो। बट लकली बिफोर टाइम है एंड अपन धीरे धीरे आराम से चल रहे, क्योंकि फिर बेल्ट से सामान उतारते उतारते तो टाइम लग ही जाता है। तो जी हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 के अराइवल पे। तो यहाँ पे थोड़े दिन पहले तक तो लॉकडाउन से पहले ऐसा था कि गाड़ी लगाने की तक जगह नहीं रहती थी, रुकने नहीं देते थे, पर अभी कोई भी नहीं है, तो विच इज गुड। वेट करते हैं। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 8:44। मैंने सोचा था कि शायद थोड़ा सा अगर लेट होता, ऊपर नीचे होता है, तो 9:30 के बाद तक मैं घर तक पहुंचूंगा और फिर मुझे बैंक वाला जो एक छोटा सा काम है, मतलब मेरे बैंक में जो एक छोटा सा काम है, वो भी कर लूंगा। बट अभी मुझे लगता है कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। स्कूबी बहुत ही कमीनी है यार, इतने दिन से मैं तुझे खाना दे रहा था बेकूफ। भाई क्या मस्त नींद आ रही है मेरे को, इतनी ज़्यादा। कल भी रात में सोते सोते मेरे को 2:30 बज गए और सुबह जल्दी उठना पड़ा, मतलब 4-5 घंटे की नींद। और ये बड़ा जो ऑफिस है यार, लैपटॉप लेके बैठा हूँ। स्कूबी तेरा कान साफ हो रहा है। सब बोलते हैं स्कूबी के नेल्स कितने बचते हैं, स्कूबी के नेल्स कट 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 ग्रूमिंग हो रहा है। कैसे कान छुपा रही है कि मत करो मत करो, मेरा कान साफ मत करो, रहने दो, मैं ऐसी खुश थी। सो जी अपन जा रहे हैं अभी ऑफिस। टाइम हो रहा है 12, अपने को 1-1.5 घंटे का काम है ऑफिस में। और अगर आते वक्त बैंक खुला रहा तो अपन वो बैंक वाला भी काम कर लेंगे। अब ऑफिस का काम ना यार, बहुत सारा काम तो घर से हो जाता है, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा है ना जो घर से पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए तो ऑफिस जाना ही पड़ता है यार। अब बैंकिंग में ना आईटी की तरह ना, आप हर एक चीज़ घर से नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता है, तो अपन का भी कुछ ऐसा ही काम है भाई। सो फाइनली डन विद द ऑफिस वर्क। और क्योंकि मैं इतने टाइम से ना ऑफिस रेगुलर नहीं जा रहा था, तो एक कुरियर आया हुआ था, तो कुरियर रिटर्न हो गया था। तो भैया का लकली फ़ोन आ गया अभी कि भैया आपका कुरियर पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है मैं पहुंच रहा हूं आपके पास। तो आजू बाजू ही कहीं डिलीवर कर रहे हैं वो, अभी उनसे फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करके जाके उनसे वो कुरियर उठा लेते हैं।
सो फाइनली डन विद द वर्क एंड अपना बैंक वाला काम भी हो गया। धूप वही ताबड़ तोड़ भाई, तो अब चलो घर जाते हैं भाई और लंच वंच करते हैं। टेम्परेचर देख रहे हो 48, क्या गर्मी है यार। सो फिलहाल सोचा है यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा मार्केट से सामान वगैरह भी ले लूँ यार, क्योंकि फिर निकलना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है इस टेम्परेचर में। भाई एसी काम ही नहीं करता, काम ही नहीं करता, मतलब सीरियसली पसीने आ रहे हैं, सर से पसीना पहुँच रहा। चल देख, चिकन तेरे लिए चिकन है, इधर आ चल। सो अब अपना प्लान ये है कि भाई कंटिन्यू करेंगे अपने काम को और शाम में अपन बनाएंगे अपने लिए मस्त वाला चाय। नहीं पता चलेगा भाई, मेरा अलग स्टाइल है चाय बनाने का। अरे सॉसपैन दे तो दिया। अरे सॉसपैन में चाय बनता है, इसमें नापते हैं, नाप के बनता है ना कि कितना चाय बनना है। नापती मैं नापूंगी। फोन आ गया मेरा। ओ भाई ये कौन बताए लेडीज लोग को, ये चाय का पूरा एक टेक्निक होता है भाई, साइंटिफिक प्रोसेस है चाय बनाना भी। कटोरा ही नहीं है। अरे ये मग देखो। अरे यार कप का है यार। कल तक ना सारी चीजें सही थी क्योंकि सारी चीजें बाहर रहती थी, आज मिली नहीं थी क्योंकि वो सारी अंदर अपनी जगह पे चली गई हैं। बताओ कब का है यार, कब ढूंढ रहा हूँ, कब नहीं मिल रहा मेरे को, कल तक वहीं पे पड़ा रहता था। क्योंकि तुम इतना मेस मचा के रखते हो कितने ये यार, तो इतने अच्छे से रखी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती ना लड़कों को। हाँ इधर रहता है, इसके ऊपर ना नोटिस बोर्ड लगा दो यार कि कप इसमें चम्मच उसमें, मैं खोजता रहता हूँ। भाई ये तो मार्बल ही टूट गया देखो, इलायची बर्बाद हो गया। तो भाई आप ये गलती ना करना, देखो ये सब प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कूटनी को भी ना थोड़ा सा ध्यान से, कूटनी भी कूट सकता है। बट देखो यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको फिर से चार इलायची लेना है, एक ज्यादा, मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हो ना तो उसको एक्सटेंसिव, उसका इंटेंसिटी बढ़ा दो। यहाँ पे चार इलायची तुम थोड़ा कूटो, तो चाय पत्ती आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है, मेरे को कोई एस्टिमेट नहीं है। मैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पे काम कर रहा हूँ। क्या मस्त कलर आ गया चाय का, और इसको किसी भी चीज़ से ढक देना। मेरे पास सामने ये दूध का ये टोपला दिख रहा था तो इससे मैंने ढक दिया। देखो कन्वीनियंस पे ना, आपको ना कन्वीनियंस पे काम करना है आपने। देखो अब ये उधर से जाके आदमी निकाले ये करे, तो टोपला दिखा भाई, ऐसे भी धोना है ना वो। एस्टिमेट कितना मेरा सही था, पूरा चाय आने के बाद थोड़ा इधर लाओ, सामने लाओ, सामने लाओ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये परफेक्ट। हाँ ये थोड़ा सा गिर गया है, अदरवाइज देखो एकदम परफेक्ट, परफेक्ट एकदम चेयर्स की तरह बना है। तुमने ही बिगाड़ा है ये ना खाने के साथ, और ये वो, ये देखो मखाना खा रही है ये। तो अपन इधर चाय पी रहे हैं शाम का, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब उतनी ज्यादा धूप नहीं है। क्या कह रही थी, थोड़ा वीडियो पे बोलो, बोलो क्या चीज़? चाय, चाय के बारे में क्या कह रही थी? चाय बहुत अच्छा बना। हाँ अच्छा बना है ना, तुम 15-20 दिन के लिए और चले जाओ, देखो फिर मैं तुम खाना भी कैसे मस्त बनाता हूँ। ये इतनी बदमाश है, इतनी बदमाश कि अभी ना एक्चुअली थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा था तो मैंने ड्राई फ्रूट्स लेके आए, और ये बेड पे चढ़ के ना ऐसे देख रही है, और इसके लिए अलग से ना आलमंड्स और ये सारी चीज़ें ये खाती है, ये ले, ये देखो। मैं नहीं खा रहा तेरा, आराम से यार, गल्प मत करना स्कूबी यार, तू पागल है क्या? इतने दिनों बाद चीजें खा रही है रूटीन में अपने। हाँ मेरे साथ तो दिन भर ब्रेड ही खाई थी, राजमा चावल, ब्रेड चावल यही खाई है। तो अपन ने बना लिया भाई, ये है अपना, इसको क्या कहते हैं, अरे बता दो ना। तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि अपन आज चिकन बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं अपने असिस्टेंट को बता रहा हूँ कि ये डालो, थोड़ा डालो। गरम तो होने दो भाई। अरे डालो ना, गरम हो जाएगा वो, साथ साथ में वो भी गरम हो जाएगा। कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, अरे पत्ता है ना वही इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है भाई, ये ऑक्टोपस टाइप का। हाँ बहुत सही गुरु, बहुत सही, सब जला दो ना, कैमरा वैमरा सब जला दो, क्योंकि थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद आके थोड़ा सा वीडियो बना लेना ताकि आपको ये लगता रहे कि मैं बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना।
और क्योंकि जी हमारे किचन में चेयर नहीं है तो हमने स्लैब को एज ए चेयर यूज किया, क्योंकि स्लैब हमारा काफी लंबा है, उससे इसलिए नहीं बैठा, थोड़ी देर बैठा था फिर गर्मी ज्यादा लगने लगा। और फाइनली मसाला भुज गया था, हमने इसमें चिकन डाल दिया, मतलब मैंने चिकन डाल दिया है। आपको इसको अच्छे से पकाना है, ये एडिट करके काट देना ताकि ऐसा लगे कि ये पूरा काम मैंने किया है, राइट? सो गाइस, चलो मैं खाना खाता हूँ और करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस।